ओ भाई जाने की तैयारी बस मैं आज तेरी बारी। ये मैं कर रही हूँ खाना तैयार। दोस्त पूछो तो राही तो नीचे ना किचन हो जा। तेरा भात आ टाइम पर ना आज मैं वक्त काम कर रही। बताओ कैसा लगा तुमको मेरे हाथ का खाना। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। जो भी हम लोगों को पूछते रहते हैं आप कैसे हैं अच्छे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी चिंता करने के लिए, सजेशन देने के लिए। लोग देते रहते हैं ना कि जो ये फेक आईडी बना रहे हैं इनके लिए ये करो वो करो, तो जितना हो सके वैसे तो ऐसे लोगों को मुंह क्या लगाना है। हम लोगों को कहीं ना कहीं पता होता है अंदर की ये अपने ही कोई लोग होते हैं जो जलते हैं ये वो, तो उनको ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी कोई कमेंट में उल्टी सुलटी बात बोलता है तो आप भी उन लोगों को मुंह मत लगाइए। कीचड़ में आप हाथ डालेंगे तो आपके मुंह पे ही आएगा, तो आप लोग भी बिल्कुल उन गंदे लोगों से दूर रहिएगा। तो फिलहाल आज मैं घर पे ही हूँ और ये काम तो चलता ही रहता है यार इनका। हेलो हाय, ये नमस्कार सबको, आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और बस आज हमारी ये काम ये तुम्हारा चलता रहता है इसलिए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, ठीक है। यहाँ भी काम ही चल रहा होगा ना, बस थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं लास्ट अब बच्चों ने छोटे बच्चों ने कर रखा था ना सब कुछ यहाँ इधर उधर। हाँ हाँ थोड़ा सफाई सामान की सेटिंग शूटिंग जरा। हाँ तो जो मम्मी बोलती रहती ना तो निकल क्यों जाती है सुबह यहाँ से इन्हीं कारणों से। कौन सामान कहाँ पे रखा हुआ था ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। हाँ। यहाँ पे ये चीज रखी तो फट हाल लगा दिया। सूरज के कमरे की चीज रखी है, सूरज के कमरे की जितनी मर्जी सफाई करो ऐसी होगा। चल देख ले क्या क्या हो रखा है। हाँ अच्छा यहाँ सेटिंग वेटिंग हो रखी है। क्या 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 किताब तो मैं वखा सजाना था, किताब थोड़ी हम सजाना था बाद में ना बहुत काम कर दी ना। हाँ। बीच बीच में घर आराम आराम भी चाहिए। अगर दो दिन दवा भी खाए। हाँ। तब वो जन्म नींद नींद तो नहीं होनी ना, नींद हम रात 12 बजे वास है। हाँ हाँ पापा तो एक या दो दिन कल तक जाने वाले हैं शायद, इसलिए छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं। और आज मैं भी शर्म से कल क्योंकि मैं लगातार जा ही रही हूँ, जा ही रही हूँ अपनी सगाई से पहले भी, उसके बाद से मैं इधर तो जा ही रही हूँ, तो आज मैं शर्म से घर में ही हूँ। क्योंकि बोलेंगे क्योंकि कल भी जब मैं मोनिका सजवान के साथ यहाँ से जा रही थी ना तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा घर का काम कर ले रुक जा यहाँ, पर मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा नौकरी है यार आदमी क्या करे, जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं घर पे ही हूँ और आज हमारे घर पे शायद मेहमान आने वाले हैं, कुछ क्लियर है नहीं लेकिन देखते हैं कि दिन तक क्या होता है। अच्छी हाँ यार पे इस पे डेंट पड़ा हुआ था ना, यहाँ पे कुछ छेद सा हो रखा था। दूसरी भी छेद दूसरी भी बड़े छे नहीं नीलू कलर है नहीं नीलू भी अच्छे पर ये पिंक के और ज्यादा अच्छी थे। अरे तब डिफेक्ट मार्च हो गए नहीं तो था दूसरा ऐसी सेम भी था। अच्छा पर ये था ध्यान से हिसाब से क्या पर मैं 300 में 100-200 में थोड़ी मिलेगा। डिफेक्ट मार तो अंत में तो क्या पर ये 2000 रुपए की थी है ये तब तो ठीक करते क्या नहीं लिया तो मैं अभी और लूंगी ना दूसरा नहीं तो ते दिखो तो नहीं जूती है अभी नहीं दिखाऊंगी बाद में दिखाऊंगी मैं पता सो गया क्या जब तुम ये कपड़ा देखा गया तो तेरा तो पसंद आया नहीं पागल है क्या मैंने कल लिया नहीं वो बहुत पहले से ले रखा है मैंने नहीं तो ना वो चंडी का माता कसम मैंने वो कल नहीं लिया झूठी कसम चंडी का माता कसम मैंने कल नहीं लिया वो उसको बहुत टाइम हो गया है। अच्छा मैं ठीक करती हूँ चले जाती हूँ क्योंकि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। अभी तो हमने नाश्ता बनाया आज हमें नाश्ते बनाए थे आलू के पराठे उनको बनाने पहले इतनी आफत और इतना टाइम लगता है और अब देखो अभी नाश्ता बचा भी नहीं और दिन के खाने की तैयारी होगी। दिन के बज रहे हैं एक और खाना पीना बना के मैं तो नहीं मम्मी बना के थोड़ा बहुत रेडी कर चुकी है मैंने ही बना लिया आज। तो आज इम्पोर्टेंट दिन ये है कि मैं बता रही थी आपको हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं तो मेहमान है शुभम आज पहली बार हमारे घर पे आने वाले हैं क्योंकि सगाई तो निपट गई अब पापा की और उनकी छुट्टी दोनों की खत्म हो रही है तो दोनों एक गेट टुगेदर मतलब एक समझ लो मिल रहे हैं बातचीत के लिए बाहर कहाँ मिलना था तो इसलिए वो हमारे घर पे आ रहे हैं। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मतलब इस दिन में बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले प्लान था कि बाहर मिलते हैं हम लोग फिर बाद में पापा ने बोल दिया बाहर क्या मिलना है घर पे आ जाओ तो इसलिए घर पे मिलने का प्लान बन गया। ये बेचारा मेरा बैग बोलता होगा दिन भर मुझे लेके छोटे मोटे काम के लिए इस मुझे लेके जाती क्योंकि मेरी छोटी मोटी चीजें इसी में हैं। तो मम्मी ने बना लिया है खाना वैसे मैंने ही बनाया एक दो चीजें पर मैं मम्मी पर गुस्सा हूँ क्योंकि मम्मी ने आज मेरी ज्यादा हेल्प नहीं की। क्या हेल्प नहीं करे तूने खाना नहीं बनाया अब कुछ गड़बड़ होगी खाने में तो पापा ने मुझे डांटना है। यहाँ देख के बोल इधर देख के बोल ना हम्म चला चलो
टमाटर प्याज घी सी तेल बराई तो यार तड़का लगाना तो इम्पोर्टेंट। हाँ तड़का लगाई तो तुझे नहीं करना चाहिए था, वो जो मेन दिन होता है उस दिन कोई खाने वाला आ रहा है और दिन तो चल जाता है, तुम तुझे करना नहीं चाहिए था क्या? यार अब कुछ गड़बड़ होगी, कोई चीज होगी तो पापा ने तो मेरे को ही बोलना है ना कि गंदा हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं, मैंने देख ली मास्टर साहब देख ली मैं सब चीज़। ये देखो इसमें मैंने दाल बनाई है, उसमें मैंने सब्जी बनाई है, चल मैं दोनों ही चीज बनाई है वैसे, और चीज मम्मी बना रही है जो मैंने मम्मी पे गुस्सा करा। मैंने कहा क्या है तुम्हारा ड्रामा ये? हाँ क्या है ड्रामा तुम्हारा? हकीकत समझ गया तुम लोग अब क्या हकीकत क्या मुखान जो। हाँ तो टाइम से करना चाहिए था, तुझे पता था जब वो लोग आ रहे हैं? पता था नहीं क्या अचानक ही सगाई हुई और क्या बोले, खर्चा तो हुआ ही, चलो वो तो एक मिनट के लिए ऐसे पैसे दे दो, लेकिन टेंशन भी इतनी ज्यादा हुई कि क्या बताएं, इतना मतलब आफत आ जाती है। लोग कितनी, हम देखते हैं ना कि हम लोग कितनी आसानी से चीजें बोल देते हैं कि ये कमी हो गई है, वो कमी हो गई, ये हो गया हो गया, लेकिन हमको पता है कि धागे खुल जाते हैं भाई एक छोटा सा फंक्शन करने में और चीजों को मैनेज करने में। हालांकि मैंने बोल दिया मम्मी लोगों को किसी के बोलने की कुछ नहीं है, लोग तो बस बैठे हुए हैं कहां से कमी निकाले, पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन फिर भी कितनी चीजें होती हैं। तो ये अब बातचीत हो रही है कि शादी में अभी से, अभी तो इसकी थकान नहीं मिटी सगाई की और शादी की प्लानिंग हो गई, डेट निकल गई और बोलने लगे कि वेडिंग पॉइंट बुक कर दो क्योंकि उसके बाद सारे बुक हो जाएंगे। तो इतनी वो हो रही है ना, वाप रे इतना बड़ा फंक्शन करना है, इतनी चीजें करनी है, मेरा तो मन कर रहा है कि वो तो लोग करते हैं ना कि तुमने यहां कर दी तुमने वहां कर दी, वरना तो ऐसे ऐसे को देख के लग रहा है कि सीधे मंदिर में करनी थी। मम्मी अरे शादी का लड्डू के जो खाए वो पछताए, जो ना खाए नहीं वो। बात तो उसकी बात की नहीं है, मतलब मैं कह रही करने के मामले में ना सीधे मंदिर में करनी थी, इतनी आफत आ रही भयंकर, इतने चीजें करनी। अरे तू तो सब कुछ हम तो तेरे बना था, सीधा तेरे के नारायण चला। तो मैं भी बोली रही हूँ, अब डिसाइड कर लो तुम आपस में, देखो वो आ ही रहे हैं ठीक है, बात कर लो भाई कि क्यों इतने पैसे ही बर्बाद कर रहे हो। पैसे तो खैर लगते ही है, पूरे लग जाते हैं चाहे तुम कहीं भी करो, केवल एक वेडिंग पॉइंट का नहीं होगा, बाकी तो सारे लगते ही हैं, लेना देना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो मम्मी को लग रहा था ना कि मैं बड़ा फंक्शन चाह रही हूँ, मैं चाह रही थी क्या तो चाह रही मैं चाह रही थी ना अभी तक, लेकिन अब होगी सगाई तो अपना पर आएगी। अब तू इधर फोटो को खींचो, वो फोटो शेयर कर दिया। मैं वही तो बोल रही हूँ, मुझे इतनी आफत आई सगाई में, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि अगर छोटे मोटा वो हो जाता है ना, अगर तुम त्रिवेणी नारायण में भी कराओगे तो हमारे लिए ओके है। नहीं भाई यार उनका उनका क्या है, किसी के बोलने का क्या है, हमको पता है हमारे धागे खुल रहे हैं, और सिर्फ पैसे देने में नहीं, टेंशन लेने में बहुत सारी चीजें। पैसा तो हर जगह त्रिवेणी नारायण में पैसे नहीं लगाते। हाँ नहीं कहीं भी मतलब सब कुछ तो होता ही है, गाड़ी बुक करी त्रिवेणी नारायण जाओगे और उसके अलावा सब कुछ तो क्या नहीं होता, सब कुछ तो बड़ी पूजिया भी पांच भांडा, छोटी पूजिया भी पांच भांडा, बहुत दिक्कत आ रही है। तो बात कर लेना भाई जैसे तुम्हारी सहूलियत है, ये मत सोचना कि मैं बोलूंगी कि ये वो, हमको पैसे पकड़ा देना। मैं तो मनी बोलू छो, पैसे पकड़ो और वहाँ शादी करो, मनी बोलू छो, ये तुम खर्चे करो ना, इन चीज तुम पैसे पकड़े और ये डंग डपोड़ा बेघर बात और कोई ना करे के फर्स्ट क्लास मंदिर में ब्यो करे और कोई टेंशन नहीं। मतलब ऐसा है कि हमको पता है ना, कोई बोलने वाला चाहे जितना मर्जी बोल ले कि तुमने, जहाँ आदमी 100 चीजें करता है तो वो एक चीज पे अटक जाता है, लोग किसी भी तरीके से बोलेंगे। ये सगाई में कौन से किसी ने हमको इनाम दिया है मम्मी, हमने बड़े फंक्शन भी करे तब भी किसी ने क्या ही किया, और हमने नहीं भी किया तब भी किसी ने क्या ही किया। जब आदमी करे ना तब आते कि वो अकेले कर, ये कहा तो प्राण छुटना था वही तो मम्मी, प्राण क्या छुटना चाहे इनके अपने घर की कैसी भी कंडीशन है। अरे बहुत बुरी भाई, आप युवा की गरीब हो, हम विजय था लेकिन तुम नहीं नहीं नहीं, नहीं पैसे खर्च तो पूरे ही होते हैं, टेंशन होती मुझे पता है ना कि पापा ने तो, पापा तो यार अपनी ड्यूटी होती है सब चीज होती है, छोटे मोटे काम में तो इतनी आफत आ जानी है कि मैं क्या बताऊं, शादी तक चेहरा उतर जाना है, पूरे काले पड़ जाना है, बहुत कुछ हो जाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ना एक बात पैसे लगना चाहते ना, लेकिन आराम रहो, त्रिवेणी नारायण में हम पे आफत हो, एक दो वक्त जावा वक एक आवा इधर व्यवस्था करा वक ना, आज एक तो इनसे खाली पैसा लगा। हाँ वो भी है, हम तो
लोर मकला पैसे दे के। वैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आफत घरों में ही है, पैसे तो लगते ही है, उसके लिए आदमी हर जगह खुद खड़ा रहता है, है ना। यो तो पैसा दे कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र हो, टाइम पर तुम कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए, पकौड़ा भी होना, मूंगी ड्यूटी रहती, खाली बता रखा है कि हमें ये चाहिए, बस पीने खाने मामले में भी वहाँ ज्यादा ही कमी बीस भरी होगी जिम्मेदारी, एक तो पैसा भी लग रहा कमी बीस भरी हमारी जिम्मेदारी ये बड़ा हमारे वक्त भी करी ब्यो, हम लोर में भी कर लो ब्यो, हम सब जगह भाई हमारे भगवान की कृपा से ओ दीपो दी माया छे ना, के को ब्यो कथी कला के को कथी कला। हां हां वो तो है, तुम्हारी वे कला हम जो साल भर में क्यों होंगे एनिवर्सरी एनिवर्सरी वो करेंगे त्रिवेणी में, वो कला त्रिवेणी में रहना। हाँ। वो खर्चा तुम और ना हम मैं मान अब सर हो हमारा एक आदमी आंदो पापा इन हुए जांदा मैं क्या खलो लो क्या पीलो लो कोई कमी भी से वो तो हम लोग हैं पीछे से ऐसे जो ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर वो नहीं करते जो खाना हम भी खाने से नॉर्मल को मां एक आज सब्जी सब्जी रायता भी है क्या नहीं अब तो इन देता को जाओ बाजार है ना। हां वो है जाना टेंट अब देते भी हैं देखो अभी आ रहे हैं जब मुझे तो ऑर्डर करते करते गुरु बोला सब भेगे हो जाएंगे ये और कोई जो है भजाएंगे तो खाली हो जाएंगे तो इसे भी कर सकते वहाँ से आगे आना ये जो लेफ्ट राइट वैसे फिर चलोगे नहीं गेट से आ गए क्या मैं लो बना कुल नहीं पर्स चले ले लो ये इससे मुझे इतने काम होते हैं ना दिन भर में क्या बोलूं आ गए क्या हाँ तो फिर फाइनली पहुंच रहे हैं शायद हमारे मेहमान तो पापा जा रहे हैं नीचे लेने के लिए और एक तो यहाँ अंदर आने का थोड़ा ऐसा सिस्टम होता है सिक्योरिटी के साथ आना होता है रास्ते का पता चलता नहीं है तो पापा चले गए नीचे ऐसे दिन पता नहीं कितने आ गए हैं हम लोगों के कि जब कोई आ रहा है हम बालकनी में ऐसे आ रहे हैं पापा नीचे जा रहे हैं लेने के लिए सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि इसको और किसी चीज़ की नहीं पड़ी रहती इसका तो बस कैमरा ही खुला रहता है कोई आज तो फॉर्मल पहन के आया है कोई मैं मुझे नहीं पता कि मैंने देखा बाहर से ना कि कुछ पैंट कमीज टाइप में पहनी हुई है ओ भाई ऐसे लग तो अच्छे नहीं मम्मी हमारी लास्ट में अब ऊपर आ गए वो लोग अब पानी पिलाओ पहनन कर दो पहले पापा ने देखो कैसी व्यवस्था कर रखी है लोग बोल रहे होंगे और दिन तभी ऐसा नहीं रहता जब कोई आता तभी होता है और दिन क्या जूता भी जानो कोई चप्पल भी अच्छा आपने तो तैयारी भी करनी होगी जाने की भी हाँ? सबसे पहले ये जाएगा इसमें ठीक है और बर्फ निकलेगा बाहर ये डालना उसमें डाल दे आज तेरी बारी पापा ने ये सब चीजें तैयार करके रखी हुई ना मैं भूल गई पापा के वही तो पापा के मन में होगा ना कि ये दी नहीं तो गुस्सा करेंगे जाने के बाद दे दो तेरा भाता टाइम पर ना ये को हम फिर वही तो पापा ने अगर जो जो चीजें सोची हुई हैं तैयार करके रखी हुई अगर वो चीज नहीं हुई तो फिर बाद में हमारा क्या होने वाला क्या क्या आज मैं काम काम खाना टाइम पे ना ले ये हीरो भी पहुंच गया चल बाहर बैठ चल चल बाहर बैठ अरे सही लग रहा है सही लग रहा है तो ये मम्मी जा रही है दामन जी को बिठाई लगाने के लिए जाओ वीडियो होने दिखाओ मैं
तो मम्मी लोग तो वहाँ बिजी हो रखे पिठाई लगाने पे, आते ही पिठाई लगा रहे हैं। और ये मैं कर रही हूँ खाना तैयार, इसमें मैं चावल रखूंगी और रोटी रखूंगी। दोस्त अब पूछो तरह तो नीचे किचन हो जा, चम्मच चम्मच इसमें से ले ये बड़ी चम्मच नहीं है बस यार रखो पूरे लगा कसम का है हाथ में नहीं भाई। सोच के क्या खाएगा बताओ, पापा लोगों के लिए तो हो गया, तू क्या सब कुछ खा लेगा? रायता तो खाता नहीं है, सब खा लेगा आज खा ले वही तो। पेट नहीं भरा देखो, दामाद जी को यहाँ खाना नहीं मिला, फोन पे बता रहे कि ये बात अपने घर पे इन्होंने मुझे कहा। खड़ा उठ, ये गिफ्ट आया है तेरे लिए। अरे क्या मीठा? नहीं नहीं वही है। अरे क्या चीज़ हो? यहाँ पे जा, यहाँ पे जा, यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर। मुझे एक सिम कॉल पे रहे। तो क्या चीज़ है ना? कर कर सूरज अनबॉक्सिंग कर रहा है देखो। मुझे एक सिम कॉल पे रहे। खुशी देख लो। अरे शाले राम के लिए गिफ्ट आया है, देखते हैं क्या है। क्या नहीं मैंने खुद भी नहीं देखा, मुझे भी मिला है पर मुझे बाद में बताऊंगी इसमें क्या है। घड़ी लड़ी में नहीं नहीं हैंडक्राफ्ट तो नहीं, क्या है खोल पर्स है। श्याले राम के पास पैसे तो रहते नहीं है, पर्स में क्या रखेगा? सर पैसे हैं तेरे पास? देखा तो सूरज को मिला है पर्स, और मुझे क्या मिला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस दे कर ले ये नरक चक्कर। चलो सब आगे चलो, सब आगे चलो। तो फाइनली जाने की तैयारी हो गई है। सूरज को सूरज चल है हमारे साथ। हाँ ला रही बैग मेरे पास, देखो दी बैग ले जा चल। हाँ अरे हाँ ले आऊंगी चलो। तू एक मेरा मम्मी बाई कर दो, मम्मी को, मम्मी को करो, मम्मी को। चलो बाय मम्मी। ठीक है ते कहाँ लिखे बेचे, ते कहाँ लिखे बेचे, बाय। क्या करते रहो? एडिट कर देंगे भाई। हाँ अपनी मर्जी करनी होती है सब चीज़, तुमसे पूछते हो क्या यार। चलो गाइस हम दोनों जा रहे हैं, सूरज चलेगा साथ में? हाँ सूरज सामान ले लो, पीछे रख दे। सूरज को भी बोलो हमारे साथ चलने। चल भाई। नहीं मुझे काम है। चल सूरज। नहीं नहीं सामान ले यार तू बस। चलो ठीक है फिर। हो गया भाई, चल नाटकी बंद कर। हाँ कर लेंगे, देख लेंगे ना, पूछ लेंगे चलेगा ब्रो। हाँ अरे हाँ हाँ ठीक है, बैग पीछे रखो जरा। प्रसाद ले लो, एक मंडी मांग लो। सॉरी सॉरी ठीक है, बाय बाय बाय। कुछ नहीं होता इतना डीप कौन देख, क्या डीप कौन देखते क्या मतलब? तो कैसे लगा तुमको पहली बार यहाँ आके? खाना मैंने बनाया था तुम्हें? तब तो बहुत और अच्छी बात है सोने में। तुम्हें पहली बार पता चला कि मुझे खाना बनाना भी आता है? आता है और इतना अच्छा आता है। बाहर से तो नहीं बनाया था, सुबह पागल हो गया तुम्हें? हर तुम्हें बहुत डर है मुझे लेके ना, सुनो अरे यहाँ पीछे से जाना था,
तुम्हें बहुत डर था मेरे को लेके ना कि मुझे ये चीज आती होगी नहीं आती होगी। मतलब है अरे यहाँ नहीं जाना, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, यहाँ जाना है लेफ्ट में, ये लेफ्ट जाना है क्या? हाँ ये जाना है, यहाँ आगे जगह नहीं है। मम्मी वाला क्या मेरे दिमाग में इतने सवाल थे, इतने सवाल पूछूंगी मैं, तुमने सारे भुला दिया मुझे। अब बताओ सवाल पूछो भाई। तुमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड तो नहीं दे रखा है? नहीं। हाँ, तो बताओ कैसे लगा तुमको मेरे हाथ का खाना? खाना तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। और तारीफ करो मेरी। खाया भी मैंने दबा के, शायद खत्म भी हो गया होगा। नहीं नहीं हो गया ना तुम्हारे लिए पूरा? हाँ वैसे भी डाइटिंग पे ही चल रहे हो तुम आज। चल तो नहीं थी, तुम बोल रहे हो मुझे डाइटिंग करने के लिए। तुम यार तुम कैमरे के आगे झूठ मत बोला करो, ठीक है? तुम बोलते नहीं बोलते क्या सोचेगी तुम्हारे व्यूअर्स? ये तो हमेशा झूठ बोलती है। तुम नहीं बोलते पर इधर उधर और लोग बोल रहे होते मेरे को डाइटिंग का। और लोगों से तुम्हें क्या मतलब है यार? तो मतलब मैं नहीं करूं? अरे तो भाई मैंने बोला तुम्हें, मैं करो नहीं करो तो नहीं बोला, पर मैंने तुम्हें ये तो नहीं बोला कि डाइटिंग करो, नहीं बोला। तुमने नहीं बोला। बस खत्म करो बात। तो मैं हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर किसी काम से, और उसके बाद आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर ये चले जाएंगे। तुम्हारी स्मार्टनेस को कैप्चर कर लो। गाने बजाओ, तुम्हें गाने चाहिए ना? अब गाने वो सुनने की आदत कम कर दो, ठीक है? मेरी बातें सुनो। तो मतलब तुम सोच रहे हो जा रही होगी, मैं ना होगा यार। हाय, हो गया तुम जाओ। अरे हो गया। हाँ परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड में होता है, वहाँ से 5 नंबर का ऑटो पकड़ना आईएनबीटी वाला। आईएनबीटी से पहले उतर जाना। कहाँ पे? कहाँ? जो अंदर ही जाते हैं वहाँ से तो नजदीक है, कहीं कहीं भी चल जाऊंगी। वहाँ से ई रिक्शा मत लेना, वहाँ से ज्यादा लेगा, वहाँ से ऑटो ही लेना। वहाँ तक का बोला आईएनबीटी वाले में बैठना, बोलना मुझे सीमा द्वार जाना है, आप वहाँ पे उतार देना मंडी मंडी के आसपास, वहाँ से ई रिक्शा लेना, वहाँ से जाओ। ठीक है तुम जाओ। दे पानी की बोतल ले। नहीं नहीं जरूरत नहीं, अभी बोलो। जाओ वहाँ पास के फोन करते रहो। ठीक है ठीक है, ओके। अरे पीछे आते रहोगे क्या? जाओ तुम जाओ, बाय बाय। तो फिर अभी घर आते ही यहाँ पे बन रहे हैं मम्मी के पकोड़े। क्या हुआ कि ये पकोड़े बनने थे मम्मी दिन में, है ना? आज जो मेहमान हमारे आ रखे थे उनके लिए आज हमने दाल के पकौड़ों की व्यवस्था करी हुई थी। दिखाओ कितने बने, यहाँ दिखाओ। तो अभी इतने इतने पकौड़े बन रखे थे। तो पहले क्या हुआ था कि पहले बात हुई थी कि वो चाय पे आएंगे, तो हमने सोचा चाय और पकौड़े बनाएंगे। लेकिन वो फिर ना, पहले बहुत सारे आने वाले थे ना फैमिली के, फिर बाद में लास्ट में प्लान कैंसिल हो गया और सुबह में ही आए बस। और वो भी खाना खाने के लिए आए दिन में, पहले वो चाय के लिए आने वाले थे, तो इसलिए फिर 2 बजे खाना खाया और फिर 4 बजे पकौड़े खाने खा था। हाँ फिर 4 बजे वो जा रहे थे तो इसलिए कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा अगले दिन खाएंगे पकौड़े, तो इसलिए ये पकौड़े बन रहे हैं पापा के लिए अब। क्या दाने दाने पे लिखा खाने, खाने वाले का नाम भाई? तो उनके उनकी सिस्टर आने थी, भट जी आने थे, उनके बेटी आने थी, शुभम आने थे, 4-5 लोग आने थे। तो कल बात हो गई थी तो हमने कहा ठीक है चाय पे आएंगे तो चलो पकौड़ी बना देंगे, दाल की पकौड़ियाँ, आलू गोभी के पकौड़े सब खाते हैं। ये पूरी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन कुछ कारणवश किसी पारिवारिक स्थिति काम के चलते जल्दी आना पड़ा और जल्दी जाना पड़ा, इसलिए खाने के तुरंत बाद पकौड़ी नहीं बन सकती थी ना। तो 4 बजे बहुत जल्दी हो रहा था, इस गर्मी में किसने बनाना था, तो इसलिए ये पकौड़े बन रहे हैं पापा के लिए। हम बड़े अभी दिन था ना, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत कहाँ पकौड़े होंगे? कम से कम 3-4 घंटे का गैप चाहिए था। हाँ दाने दाने पे लिए पकौड़ी मैं ले जाऊंगा, पर ले जाना भी क्या, मैं खाऊंगा रास्ते में, मैं खाऊंगा। तो कल पापा जाने वाले हैं तो ये मम्मी कह रही है कि कल पापा के लिए बना देते हैं इनको।